थोड़ा कश्ती का भी सफर होता है, वो आपने किया था? तैरना आता था? नहीं। अगर जगह डूब जाए? अच्छा चलें, आप आ गए ठीक है, तो आपको ज्यादा मार कहाँ पे पड़ी, कौन से बॉर्डर पे पड़ी? माओ के लाल होते हैं यार, और अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ कोई मसला हो जाता है तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है पीछे फैमिली के साथ। तुर्की से ग्रीसलैंड आने के कितने पैसे? आगे का हिसाब नहीं है, 22 डंकियां लगाई। 22 डंकियां लगाई हैं, क्यों इतनी क्यों? सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब जैसा कि हमारे साथ हैं दो भाई जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और ये डंकी लगा के पुर्तगाल में आए हैं और आपको बताने लगे हैं। जेकर आप लोगों ने डंकी वगैरह लगानी है जनाब, और आपको कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि भाई लोगों को फेंटे भी खूब रास्ते में पड़ी है, तो एक एक चीज आपको बताने लगे हैं और इनसे एक एक चीज पूछने लगे हैं। पाकिस्तान से डंकी वगैरह लगाती हैं तो ये वीडियो उनके लिए तो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल की चली जाएगी, उनकी काफी मदद हो जाएगी। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, और थोड़ा हंसो बेल आइकन पे प्रेस करें, और इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जनाब हमारे साथ हैं तलहा भाई, और दूसरे भाई का नाम है आप बताएं? शाहिद भाई, ठीक है। और शाहिद भाई का तल्लक भी पाकिस्तान से है और इनका भी तल्लक पाकिस्तान से है। तो सबसे पहले तलहा भाई का पूछते हैं, और जनाब तुसी किदों आए हो, की रस्ते च तुहां मामला तो है ने, ऐ जरा लोगों नु दसो, लोग बहुत ज्यादा डंकी लगाना चाहते ने। मैं 2017 दे विच आया सा जी जी, ते ईरान आया सा थोड़ा करीब, उन्हें सेफ ला ली मेनू। अच्छा ईरान आ गए? अच्छा फिर मेनू मारिया? अच्छा अच्छा, फिर लेकिन लेकिन मारने की बात बाद में कर दे, आप पहले ये बताएं, क्योंकि वो दूसरे भाई की स्टोरी थोड़ी ज्यादा दिलचस्प है, ठीक है, क्योंकि उनका ज्यादा बताएंगे हम। आप ये बताएं कि आपने जब पहले आप ईरान आ गए, ईरान के बाद तुर्की, तुर्की के बाद यूनान, यूनान सर्बिया, सर्बिया मकदोनिया, मकदोनिया ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया इटली, इटली पेरिस, पेरिस फ्रांस, स्पेन, स्पेन, लेकिन फ्रांस में आपने आके स्टे किया ना, पैसे कमाए वहाँ पे, ठीक है। तो फिर पुर्तगाल का क्यों सोचा आपने? हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, पैसा बंदा कमा सकता, डॉक्यूमेंट नहीं कमा मतलब कि इन चार सालों में आपने पैसे ही कमाया है? पैसे ही कमाया, पैसा ही कमाया, चलो ठीक है, जरा जगह कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। शाहिद भाई आपके साथ क्या क्या हुआ, आप अपना सफर लोगों को बताएं कि कहां से स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया, ये जरा लोगों को बताएं, क्योंकि आपको रास्ते में बहुत तशद्दुद का भी सामना था, आपको मार भी पड़ी बॉर्डर पे, ठीक है, तो ये जरा लोगों को बताएं। हमारी भी सेम कंडीशन है। अच्छा सेम ही बिल्कुल। अच्छा आपने अपना सफर पाकिस्तान से कहाँ से स्टार्ट किया, लीबिया के रास्ते से या ईरान? ईरान के इलाके से। ईरान के इलाके से। ईरान में जब आप आ गए तो आपको फेंटी कहाँ पे पड़ी, मार हमें कहाँ पे पड़ी? ईरान पे, क्या उसको कहते हैं, तफ्तान बॉर्डर, तफ्तान बॉर्डर पे। क्यों हुआ, क्या क्या करते हैं वो, मीन क्या वो पैदल का सफर था या गाड़ी टैक्सी का सफर था? पैदल का भी, टैक्सी का। तो शाहिद भाई ये जो एजेंट लोग होते हैं वो जब लोगों की डंकी लगवाते हैं वो उनको कहते हैं जनाब चाहे आपने लीबिया से जाना है या ईरान से जाना है, तो जनाब जब आप डंकी लगाएंगे तो आपको रास्ते में कोई परेशानी नहीं होगी, आपका सारा काम जनाब टैक्सी का होगा, आपको रास्ते में खाना पीना भी मिलेगा, क्या ये बातें सच हैं? सब झूठ है, सब झूठ है, सब कुछ होता है रास्ते में, मार भी पड़ती है। अच्छा। खाना भी नहीं मिलता, जाती भी होती है, छोटे छोटे बच्चों के साथ जाती करते हैं। आप एक टैक्सी में डिक्की में कितने बंदे थे जब ईरान का बॉर्डर आप क्रॉस कर रहे थे? दो या तीन डिक्की में, अगर पतले हो तो तीन, मोटे हो तो डिक्की में हवा आती है? नहीं आती। और इसका मतलब अगर आप डिक्की में बैठते हैं तो आगे भी पूरी फुल होती है सारी? आगे भी फुल, फुल। ओ यार, तो ये तो काफी मसला होता होगा ना? तो ईरानी काफी फेंटी लगाते हैं वो, ज्यादा ईरानी ज्यादा बुरे हैं या आगे से तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करने में प्रॉब्लम? ईरानी बुरे हैं, ईरानी, ईरानी ज्यादा, तुर्की वाले भी, तुर्की वाले भी। अच्छा चलें, आप आ गए ठीक है, तो आपको ज्यादा मार कहाँ पे पड़ी, कौन से बॉर्डर पे पड़ी? बोस्निया। बोस्निया में रास्ते में तो एक नहर भी आती है, कोई समंदर आता है मैंने सुना था, जहाँ पे काफी, जब आप ग्रीसलैंड में पहुँचते हो तो वो थोड़ा कश्ती का भी सफर होता है, वो आपने किया था? तैरना आता था? नहीं। अगर जगह डूब जाते फिर उठते ही जाना? नहीं नहीं यार, ये जो था ना, ये चीजें आपने मद्देनजर रखनी है भाई, क्योंकि एजेंट लोग आपको कह देते हैं कि हाँ ये जैकेट पहन लो, लेकिन अगर आपको तैरना नहीं आता तो यार प्लीज तुसी लोग डंकी ना लगाया करो। ये भी कहते हैं कि वो नहर के ऊपर से जहाज जाता है। अच्छा वो ऐसे भी करते हैं, ठीक है। तो आपने पैसे कितने दिए, ये जरा लोगों को बता दें कि आपने ईरान, पाकिस्तान से ईरान आने के कितने पैसे दिए? 1.5 लाख। और ईरान से तुर्की? 2000 यूरो। तुर्की से ग्रीसलैंड आने के कितने पैसे? आगे का हिसाब नहीं है, 22 डंकियां लगाई। 22 डंकियां लगाई हैं, क्यों इतनी क्यों? वो बस पकड़े जाते थे आप? बोस्निया से इटली जाते हुए आप पकड़े जाते थे? तो भाई देखें, भाई ने 22 डंकी
इनके 22 दफा ट्राई किया फिर जाके ये भाई कामयाब हुआ। लेकिन अच्छी बात इनकी मुझे क्या लगी कि इस बंदे ने हार नहीं मानी, ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान भी जा सकते थे, इनको बोस्निया से इटली जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम और बहुत कुछ डंडे शंडे भी खाने पड़े, लेकिन बंदा जिगर है, बंदा पूरा सनी देवल है, वेरी गुड। इसका मतलब कि आपका काफी ज्यादा खर्चा हो गया डंकी लगाने में भी और जान का खतरा आपने अलग से वो लिया। तो जब आप रास्ते में थे तो आप कॉन्टेक्ट वगैरह अपने मोबाइल पे करते थे अपने घर वालों को या नहीं? कोई कभी को बार 10-15 दिन के बाद, 10-15 दिन बाद वो तो परेशान होते होंगे ना। चलें जी, अभी तो आप अपनी मंजिल के पास आ गए हैं, अल्लाह पाक आपके माँ बाप को भी सलामत रखें। और अभी आप पुर्तगाल में क्यों आए हैं? ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए आए हैं। अच्छा, जब आपको बोस्निया में मार पड़ती थी या आप पकड़े जाते थे तो वो क्या करते थे बाद में? पकड़ के मार के वापस भेजते, वापस कहाँ भेजते थे? बोस्निया वापस, क्रोएशिया से बोस्निया। तो आप वैसे वो ट्राई कैसे करते थे? आप किसी एजेंट के थ्रू करते थे, टैक्सी में या पैदल? पैदल एजेंट के थ्रू। आप जरा शॉर्ट सा ये बता दें कि टोटल आपका खर्चा पाकिस्तान से यूरोप आने तक, इटली फ्रांस आने तक कितना लगा? तकरीबन 25 लाख और 2.5 साल का अरसा। 2.5 साल का अरसा, क्योंकि ये बार बार पकड़े जाते थे, ये बार बार ट्राई करते थे, बार बार एजेंट को पैसे देते थे, तो इस वजह से जनाब इनकी टोटल अमाउंट ये 25 लाख है। ये बहुत महंगा यार, 25 लाख में तो इंसान बाई प्लेन भी आ जाता है, लेकिन क्या करें, अभी लोग मना भी नहीं होते, बाज भी नहीं होते, क्योंकि यार पाकिस्तान में भी हालात ही ऐसे हैं कि लोग डंकी वगैरह लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो यार पहले तो आप प्लीज डंकी वगैरह ना लगाएं जी, अगर आपने डंकी वगैरह लगानी है ये सारी चीजों का आपको एहसास होना चाहिए, क्योंकि माओं के लाल होते हैं यार, और अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ कोई मसला हो जाता है तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है पीछे फैमिली के साथ। प्लीज डोंट डू डैट, ऐसा ना करें, अपनी जान का ख्याल रखें, क्योंकि यार ये डंकी लगाना अपनी जान के साथ खेलने वाला काम है, ठीक है? तो प्लीज डोंट डू डैट। तो जी ये शॉर्ट सी स्टोरी आपको बताई है कि अगर आपने डंकी लगानी है और आपने पाकिस्तान से इंडिया से डंकी लगा के आना है तो जनाब ये सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि रास्ते में एजेंट आपको कहते हैं आपको खाना मिलेगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, जब आपको आना होता है, और हकीकत इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, आपको खाना भी नहीं मिलता, आपको मार भी पड़ती है। तो तलहा भाई और शाहद भाई, आप जाते जाते लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? पेरिस और जर्मन वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप पेरिस इधर पुर्तगाल में आए, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं, पैसे बंदा बाद में कमा सकता है, इतने की पूजे चने लाभ देने पे छोले स्पेन में भी आप करा सकते हैं, और पुर्तगाल सबसे बेस्ट है, पेपर लें उसके बाद आप जिधर मर्जी जाएं। तो जी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। बाकी अगर आपने डंकी लगानी है तो प्लीज जरा सोच समझ के लगाइए, प्लीज डंकी वगैरह आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, और अगर आपने आना है तो लीगल वे से आए, इससे आपको काफी फायदा होता है। तो यार जितने पैसे आपने आजकल डंकी में देने हैं, आप खुद के ऊपर थोड़ा काम करें, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, थोड़े से विजिट करें और अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, तो आप लीगली भी यूरोप का वीजा आजकल हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपने कोशिश करनी है तो एक दफा कोशिश जरूर करें विजिट वीजा वगैरह अप्लाई करने की। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच शाहद भाई, तलहा भाई, आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। और पुर्तगाल का वेदर कमाल है। कमाल है।